यहाँ देख रहे हैं लड़की को ना कुछ कुछ अपना हाथ में ले जाते हुए, और यहाँ पर देखिए ये सब कुछ कुछ माल मटेरियल है जो कि गार्डन की ओर जा रहे हैं। आज ठंडा भरा मौसम है, बहुत बकवास मौसम लग रहा है कि कुछ दिन पहले अच्छा मौसम था, आज ऐसा बकवास हो गया। तो आज कर कर रहे हैं मैडम आप, हाँ ये गार्डनवा में आके लकड़ी के मटन बनाए। बीवी को ना कोई काम धाम नहीं, अरे मस्त चूल्हा बन गया जानू, हटी हटी से दिखाते हैं। अरे यार इतना सेक्सी चूल्हा कैसे बटा नहीं यहाँ पे, माटी कहाँ से लाए हो? माटी, मेरे गार्डन में इतना माटी तो है दिख नहीं रहा। हम बिहारी है बाबू, जर्मनी में रहते हैं तो क्या मिट्टी के चूल्हे पे भी खाना बना सकते हैं। तब तक आगे तो आज मस्त टेस्टी टेस्टी जो है मटन बनने वाला है, मजा आने वाला है आज। लगा के रखते हैं कि ठंडा मौसम है तो लाइफ मजानू जानू लाइफ मजानू। तो हिला दी बे, हमको उम्मीद नहीं था कि इतना चूल्हा बना लीजिएगा। अच्छा ना, नहीं था ना उम्मीद ना, लेकिन आपने मेरी ना उम्मीदी को ना उम्मीद में बदल के उम्मीद के किरण लहरा दिए चारों ओर। और यहाँ पे सब कुछ मटन का तैयारी हो चुका है, मसाला वसाला सब। और सबसे पहले चूल्हा जला देते हैं और चूल्हे पे लकड़ी के चूल्हे पे चाय पियेंगे। क्या मस्त लगेगा ना। हाँ जानो जैकेट वो पहन लेना प्लीज, हल्का ठंडा है। नहीं नहीं तेरी तबीयत भी ठीक नहीं, प्लीज पहन लेना, पतला ही पहन लेना। चलिए उठिए, नहीं 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 उठिए, चलिए दे कम। यहाँ पे कैसा लग रहा दिखाइए। वही तो बोल रहे हैं, जो है चूल्हा जो है जल चुका है, यहाँ लकड़ी उकड़ी का इंतजाम है। कोयला वाला तो हम लोग जो है अपना ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रिल पार्टी करते ही हैं, तो उसके लिए सब कुछ है ठीक है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन ये स्मिता ने पूरा सेटअप बहुत बढ़िया कर दी, ये हमको भरोसा नहीं हो रहा है। चलिए ठंडा तो नहीं लगेगा ना बाबू, जरूरी है समझे। सबसे पहले जो है चाय चाय बनेगा, चाय चाय गरम चाय गरम चाय, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, ठंडा गया है माहौल, गरम गरम पीने में एक नंबर मजा आएगा। और क्या आपको शेयर करना है जानू दर्शकों से? शेयर मटन, मटन अभी मिक्स करेंगे, मिक्स करते हैं दिखाते हैं, उसके बाद इस पे बनेगा और इसी पे आज पूरा खाना, चाय मटन रोटी सब यहीं पे बनेगा। हिला दिए, लेकिन जर्मनी में रह के हम जो चूल्हा बना लिए हाथों का से चूल्हा, ये नहीं कि कोई खरीदा हुआ है ना। बता दिमाग कैसे लगा दिए बे? मेरे पास दिमाग है, मेरे साथ रहते रहते हो गया थोड़ा ना। अच्छा। मेरी बीवी खो गई थी बीच में, हूँ बोली, फिर समझ में आया मैंने कुछ तो गलत बोल दिया। इतना गलत बोल दिया, मैंने क्या बोल गई मैं। नीचे क्या किए, नीचे पत्थर है इसके नीचे, एक मिनट रुकिए, ये मस्त है जलाने वाले, इसको क्या बोलते पता है? यहाँ का कपूर है ये। इसमें ना मस्त मिट्टी तेल वाला आता है, खुशबू आता है, मस्त ब्रिक जैसा है ये, दिख रहे मस्त जलता है। हाँ तो क्या बता रहे थे, इसके नीचे पत्थर है, इसके नीचे ये दिए है, फिर इस पे बनाए है। बहुत दिमाग लगाना पड़ा समझे, हमको आज था कि भाई मौसम ऐसा है और ये मिट्टी वाले चूल्हे पे खाना बनाना बड़ा टेस्टी टेस्टी लगेगा, क्या बोलते हैं जी? बात तो है सही। चलिए इसको मिलाते हैं, तब तक ये सुलगता है, आग बनता है। आप आग वर्क सेकते रहिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी। बैठ चुके हमारी बीवी, सब चीज लेके चुके हैं, अब कुछ कुछ जो है पूरा मिक्सिंग मिक्सिंग होने वाला है। ये हमारा कितना मटन है पता है, 1 kg मटन है ये हमारा, साथ में हमारा सब मसाला मिक्स होगा, एक साथ सारा मसाला मिक्स कर देते हैं, उसके बाद चढ़ा देते हैं एक ही साथ चंपारण स्टाइल में, बस हांडी नहीं है, हांडी नहीं है बस, नहीं तो चंपारण हांडी स्टाइल हो जाता ना, तो चंपारण हांडी नहीं, बहुत फेमस है। अब बोलिएगा मसाला तो सब मसाला दिए हैं, जीरा पाउडर किचन किंग दिए हैं, उसके बाद धनिया पाउडर है, गरम मसाला है समझे, उसके बाद मीट मसाला सबसे इम्पोर्टेंट है, देखा मीट मसाला। वाह जी, हमारा जाएगा पता है क्या क्या है क्या जी, बता दीजिए। लहसुन का पेस्ट होगा,
तो झाजी को भी पता होगा, समझे? ये अदरक का पेस्ट है, ये बस लहसुन पूरा, हाँ लहसुन जाएगा, ये हमारा जाएगा, इसमें प्याज कटा हो। हाय जी, मस मान गए ना गुरु? जब तक चाय वाय बनेगा तब तक ये मैरिनेट होगा और उसके बाद फिर मिक्स किया जाएगा। अच्छा, इसको ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं रहता है ना? देखो 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 देखो, मिट्टी के चूल्हे पे बनेगा, जो टेस्ट आएगा ना भर भर के। जाजी थोड़ा आंच दे दे, आप कैसे दीजिएगा आंच? दे दिया जाए आंच। हाँ, दे दिया जाए। चलिए इसको ना छोड़ते हैं, फिर इसको जलाते हैं, चाय चढ़ाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ठीक। चलिए यहाँ पे आग हमारा बन चुका है, चाय चढ़ा दिए हैं। मस्त धुआं लग रहा है बाबा। चाय एक नंबर लग रहा है, एकदम मस्त टेस्ट आया, लेकिन चाय का खतरनाक। बहुत दिन के बाद चूल्हा का चाय पी है, इतना अच्छा लग रहा है, लग रहा है हम अपने घर गांव पहुंच गए हैं। तो चलिए, आग अच्छे से लग चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया है, और जो मैरिनेट करके रखे थे ना मटन को, वो आधे घंटे से ऊपर हो गया है और उसको डाल दिए हैं। और उसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल डाल के, ऑयल डाले थे शुरू में, गर्म हो गया उसके बाद, क्योंकि इसमें खड़ा जीरा वगैरह, गर्म मसाला सब कुछ है इसमें, सब कुछ, जो सूखा हुआ तेज पत्ता होता है, मिर्च होता है, लौंग इलायची है, बड़ी वाली इलायची है, सब कुछ डाला हुआ है इसी में। बस क्या करना है ना, अब इसको मिक्स करके छोड़ देना है फ्लेम, जैसे गैस पे बनाते थे तो 4-5 फ्लेम करके छोड़ देते थे, आराम से पकते रहता है। और यहाँ पे क्या है, इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, कंटिन्यूस आपको 4-5 घंटे आराम से बैठना है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा ना A1 आएगा, क्योंकि लकड़ी पे ये स्मोकी फ्लेवर वाला जो मटन बनेगा ना, उसका टेस्ट वाई बहुत मस्त आता है। मेरे को बहुत दिन से था कि खाना है खाना है, लेकिन चूल्हा बनाएं कैसे? और ये जो चूल्हा देख रहे हैं ये तो टेम्प्रोरी है, परमानेंट चूल्हा दिखाएंगे आपको कुछ दिन में, वेट एंड वॉच, वो भी दिखाएंगे, ये टेम्प्रोरी है। तो परमानेंट हमारा बन चुका है, थोड़ा अभी प्रोसेस में है, तो वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे पूरा कमर कस के बांध लिए हैं, और यहाँ पे ना रोटी भी सोचे हैं, चाय एक बार पी चुके हैं, और मटन बनेगा, मटन बनने के बाद रोटी भी सोच रहे हैं यहीं पे बनाएंगे। और झाजी एक बार और बोले हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय इतना अच्छा बना ना, स्मोकी फ्लेवर वाला चाय देख के भाई मज़ा आ गया, लगा गांव में पहुंच गए, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मत पूछिए। और यहाँ पे एक मेरा ना पुराना वो सस्पेंड चाय वाला है ना, वो फेंकने वाला है, उसमें आके बनाएंगे, क्योंकि भाई चूल्हा पे मटन बना लिए तब वो तो नहीं चढ़ाएंगे ना चाय। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं मटन मस्त पके जा रहा है, बस यही इसमें प्रॉब्लम है कि इतना देर बैठना, बाबा कमर का वाट लग गया, क्योंकि इतना देर बैठने का आदत नहीं है ना कंटिन्यूस एक जगह पे बैठने। और अच्छा है ना, इसे बैठना चाहिए, पेट भी दबता है, पेट कम होगा, हम लोग तो ऐसे बैठना ही भूल गए हैं कि इतना कंटिन्यूस इस पे, देख रहे हैं मच्छियाँ लगा के हमको बैठना पड़ रहा है। और ये धुआं धुआं तो भाई खतरनाक हुआ है, मत पूछिए। थोड़ा भी लकड़ी अगर नहीं डाले हुए आँच, वो कोयला अगर ठीक से नहीं जला तो वो बहुत धुआं करता है, एक बार जल गया तब तो बहुत अच्छा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ग्रेवी पूरा मस्त तैयार हो चुका है, ये देख रहे हो कितना कलर क्या मस्त आया है ना। अरे यार मुंह में फिर पानी आ रहा है, फिर मेरे को ना खाने का मन कर रहा है। जो जो खाते होंगे भाई वही देखें, जो नहीं खाते हैं वो कृपया ना देखें, क्योंकि वो होता है ना जो नहीं खाते हैं वो देखते भी नहीं हैं। तो जैसे हम मटन खाते हैं, और अब ये नहीं बोलिएगा कि भाई झा होके मटन खाती हो, ये भी मत बोलिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब झा नहीं खाते हैं, कुछ कुछ लोग खाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं अराउंड कितने
हम 4 बजे स्टार्ट किए हैं और अभी कितना बज रहा है, 6:30 बज रहा है। अब जाके ना ये गल गया है, और इतना अच्छा टेस्ट हुआ था ना, टेस्टी बना था वो, तो आगे के ब्लॉग में आपको शेयर करेंगे ही। और गल भी बहुत अच्छे से गया था, हमको लगा नहीं था कि लकड़ी के चूल्हा पे इतना गलेगा, आग अच्छे से जलेगा कि नहीं, लेकिन मस्त बना है संजय। तो हम भी बीवी का जो मटन बनाने का कार्यक्रम था, 7 बज गया देख सकते हैं ये कार्यक्रम अभी तक चल ही रहा है। और चाय जो है एक बार हमको मेरी बीवी पिलाई है, गजब सौंधा सौंधा जाने खुशबू आया चाय में। अरे यार कलर तो क्या पकड़ा है बे, देखो। आज तो बेटा मजा आएगा लेकिन। हाँ हाँ जर्मनी के गांव में ये जो चूल्हा पे बन रहा है भोजन, अब ये ना लाइट वाइट थोड़ा जला जला दे तो दीजिए। 4:30 से लेके 7 बजने वाला है। तो बजबे करेगा, मटन में है ही है, टाइम लगेगा। आप गलत चीज ले लिए, कोई सब्जी वब्जी बनाते ना आलू का तो तुरंत बनता। चाय क्या खुश, मतलब क्या सौंदर सौंदर बहुत अच्छा चाय था। बना भाई। लकड़िया खत्म हो गया, एक बोरा एक बोरा है ना, अभी है, हाँ हाँ हो अभी इतना जाएगा। है। रोटी भी इसी पे बेल लेंगे, आग बहुत है समझे। रोटी भी दिखाएंगे, जहाँ जी दिखा देंगे रोटी। हमको बैठे बैठे ना, हम ना कुछ ज्यादा ही ना, चेयर हम पे बैठ दें ना, खड़ा होने ये का, वाला पे। अरे धुआं होता है ना। आगे बगल वाली ना निकल निकल के देख रही है कि इसके यहाँ हो क्या रहा है, 3 घंटा से धुआं हुए जा रहा है हुए हुए जा जा रहे हैं ना रहा है। हाँ ऊपर, ठीक है ना बाबू, ऊपर तो बहुत दूर है। दूर है ना। हाँ नीचे ठीक है कि नहीं ये पूछ नीचे तो हम लोग डबल प्रोटेक्शन दे दिए, दे तो कोई तो दिए टेंशन हैं नहीं। लेकिन पता नहीं, देख रहे मस्त मजा आ रहा है हमको ना, घर का याद आ रहा है। पीली कदर बैठो, चाय अगर और होगा तो पिला देंगे आपको, ठीक ठीक है है। पिलाई जाए। चलिए दिखाते हैं फिर। कुछ बोलना झाजी, कुछ बोलना चाहेंगे। चाय ना भाई इतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन वो जो रहता है ना चूल्हा अपना पे, स्टोव पे, हाँ हाँ बिजली वाला पे इतना अच्छा नहीं बनता है। पता नहीं वही क्या दूध है, वही चीनी है, वही सब कुछ है, लकड़ी मसाला का धुआं चल जाता है क्या इसके अंदर। पता नहीं क्या बहुत रहता अच्छा है, सोना इतना सोना सौंधा खुशबू। सौंधा खुशबू आ रहा है ना, लग रहा है कि ठेला पे या फिर मस्त जो मिट्टी बनाता है चाय, कुल्हड़ वाला लग रहा है कुल्हड़ वाला चाय। चाय लग रहा है। राइट, थैंक यू बोलो, हम इतना अच्छा बहुत चाय। बहुत धन्यवाद बाबू, एक नंबर। हाय 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 देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। ओए गांव की गुड़िया, गौसे गांव गौसे गुड़िया, कहाँ करत बने हो, रोटी बन रहा है। रोटी बनत बाड़ा, तू बहुते मेहनत करत बाड़ा हो। आज मेरा बहुत दिन के बाद चोकला निकला है, ये चकला देखिए निकला, चकला ये बिलना रोटी देखिए। मस्त फूलत बाड़ा ना। हाँ, आज जो मजा आएगा खाना खाने में भाई, जिंदगी तृप्त हो जाएगा लग रहा लकड़ी पे बहुत दिन के बाद खा रहे हैं ना खाना, तृप्त हो है। गई ना। तो बचपन में खाए थे लकड़ी नहीं मठमा नंबर तक खाए तो। खाए हाँ, तो वही तो बचपन ही हो गया ना, मन जन्म जवानी तो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं। अरे हाँ लेकिन बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं, हमको लगता है कितने सालों के बाद हम लकड़ी पे खाना बनाए हैं। हाँ तो सब पड़ोसी देख के पागल हो गया होगा कि कर क्या रही है स्मिता मैडम, कोई और हो या नहीं, ये पागल हो गई, कितनी बार निकली है है ना, समझे, कितनी बार निकली है। खूब धुआं इसको हो रहा होगा। ये लोग पकाता है तो हम कुछ बोलते हैं, हमारा तो नॉर्मल रोटी और मटन बना है। मटन तो इतना अच्छा खुशबू करता है, वो लोग जो बनाता है वो। चलिए भाई अब हमको लग रहा है जाना कि लास्ट फेज है क्या। हाँ अभी तो बस एक बार और निकलेगी। अभी रोटी बनेगा, हाँ उसके बाद हो गया फिर खाया जाएगा, फिर टेस्ट बताएंगे। झाजी चाय तो बता दिया ना झाजी, बहुत सुंदर टेस्ट चाय बताइए का तो कौन कौन भाई। लकड़ी पे खाना बनाना जानता है और अभी तक कौन कौन बना रहा है। हमको ना होता है बहुत मन था लकड़ी पे भाई, हमको मटन लकड़ी पे खाना था, जब मटन बना तो रोटी भी चोकला निकाले बहुत दिनों के बाद। तो भाई बहुत मेहनत लगता है, अब हम आज समझ गए ना कि ये सब खड़ा में भी प्रॉब्लम, बैठने में भी, बैठे नहीं है ना। और क्या है ना गैस में क्या है, धीमा आँच पे आप छोड़ दीजिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको है ना आँच देना पड़ेगा, आँच कि
सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जरूरत है कि नहीं है, समझिए। ये तो बात है मतलब। तो ये लकड़ी खत्म हो गया, दो बोरा था तो क्या? ये देख रोटी मतलब एक बार गर्म होने का देर है, उसके बाद तो भाई रोटी मस्त बनता है। ये तो हमको तो गैस के चूल्हा से भी बढ़िया रोटी बन रहा है, समझे? जी तो है, अच्छा एकदम सेटअप मस्त कर लिया आप। फिर आपको इसको हटाने में ना बहुत माया लगेगा। ये तो है भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से किया है ना। बहुत रिसीव क्या बोलता है, घर में खाना बनेगा बाहर क्यों नहीं? बाहर का है, वो तो बेचारा देख भी नहीं किया ये सब। लकड़ी के चूल्हा पे देखा ना, क्या बोलता है, नहीं देखा है ना? कहां वो कैसे देख लेगा? हां किस पे भी खाना बनता है, गांव में जाते हैं तो अब तो सब जगह यही सिलेंडर आ गया है ना। उसके बाद क्या बोलता है, बाहर नहीं खाएंगे, उसको लग रहा है ना बाहर खाएंगे, बाहर खाएंगे। हमको तो अपना घर का याद आ रहा है कि मन कर रहा है यहीं पे आग जलाते थे, बना के उठो और खा लो ना। क्या झाजी बाहर खाइएगा, ठंडा है आज, तुमको नहीं मिलेगा जो इतना निकली है दिन भर, ठीक है? परेशान कर दिए, ये कितना 4 बजे बैठे थे ना, 8 बजने वाला है, समझे? चलिए फाइनली टेस्ट तो जाएगा जी, बताएंगे ना कि कैसा बना है। बिल्कुल बताया जाएगा, फिर मिलते हैं आप लोगों। ये हमारे जर्मनी के गांव में ये लकड़ी का चूल्हा कैसा, बताइए, लाइक दीजिएगा कि नहीं इतना मेहनत करने के लिए? सबको लाइक जल्दी जल्दी दीजिए, अच्छा सा कमेंट लिखिए। जर्मनी में रहते हैं, बिहारी हैं, चूल्हा पे भी खाना बनाने आता है। चलिए हा, मेरा बेटा से रुका नहीं जा रहा है, और यहाँ जो है स्मिता हा खाली कर रही है। सोंधा सोंधा खुशबू आ गया बेटा। तो 5.5-6 घंटा का मेहनत 4 से लेके 9 बज रहा है। 4 से लेके 9 बज गया, सही में इतना मेहनत से बना है तो अच्छा तो होगा ही ना। सच में इसका खुशबू है, मस्त आ रहा है जानो, खुशबू तो अच्छा आ रहा है। इसी से कहीं पेट नहीं भर जाए खुशबू से। टेस्ट करके बताइए जरा कैसा बना है। चलिए अपने तो टेस्ट नहीं होता है ना, काहे नहीं होगा, भाजी करते हैं। भाजी करेंगे, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन झाजी बताएंगे क्या मस्त, झाजी का एक्सप्रेशन हम दिखाएंगे, एक नंबर है ना, अच्छा ठीक है। नमक ये तो लग रहा था ना भारत में जैसा बनता है ना, हाँ ऐसा टेस्ट आया है, आया ना। तो पूरा एकदम लकड़ी का टेस्ट एकदम मस्त आ रहा है। आपको लग रहा है अलग मटन, इन्हें लग रहा है जर्मनी में जो रहता है ना, वो है ना। ग्रेवी भी इसका बहुत अच्छा बना है, ये देखिए बेटा, एक बार तो खिला दिए, बार बार तो हम लोग तो यही बोलेंगे करने, करेगा क्या? कर लेंगे, अच्छा बना है तो कर लेंगे, मेहनत बहुत है, लेकिन वो प्रॉपर चूल्हा ही हम बना लेंगे। वो 101 नंबर, ये देखो, ये देखो आप लोग, 101 नंबर झाजी हमको दे रहे हैं। चलिए चलिए बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं, फिर मिलेंगे, फिर गुड नाइट, बाय बाय।